So welcome to Gen Tutorial. It is Gen Tutorial. Welcome to Gen Tutorial. It is Gen Tutorial for Physics Question Math 11th and 12th. Today we are studying Physics. In Physics we have so far studied Electrostatics, Electric Field, Chapter 1 chal raha hai. Jisme log in previous video number say but today is video number 8. We are studying Physics, it is video number 9 for Electric Field, Electrostatics. In previous video, we studied about Electric Dipole. What is that? Electric Dipole. N kya hai, Broad kya hai, yaad hai? Charge hai, do charge hai, plus hota hai, minus. Is point ko kya bolte hain log? End or position. Aur is point ko kya bolte hain log? Jahan pe charge hai, uske andar broad side position. P point kahan pe hai? End point. B pipe का है broad side, it's called dipole और dipole moment is given by charge into length. Dipole moment is given by product of charge into length, coulomb meter इसका unit है, ये सब लोग पिछला video में discuss कर चुके हैं. Now it's very very important topic, electric field intensity. You may say intensity of electric field. इसको हम लोग E से denote करते हैं, ये क्या चीज है? ये क्या होता है? ये मेजरमेंट करता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है. सपोज क्यू चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस इलेक्ट्रिक पॉइंट पर कोई पॉइंट पर कितना ज्यादा फोर्स है, इस पॉइंट पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पर कितना फोर्स है अगर एक कूलम चार्ज रखेंगे. वन कूलम चार्ज को रखिए पी पॉइंट पर, कोई चार्ज है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. कल हम लोग पढ़े थे इसके बारे में पिछला वीडियो में. P पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज रख दीजिए, P पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज रख दीजिए. इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज. इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज. 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स काम कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं. किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, कितना तेज है. जैसे हम सुबह के समय जब धूप देखते हैं तो आपको लगता है इंटेंसिटी कम है. दोपहर में जब हमारे पास सन लाइट पहुंचता है बोलते हैं इसका इंटेंसिटी ज्यादा है. कहीं बल्ब को देखेगा लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज मतलब लो इंटेंसिटी, हाई वोल्टेज का बल्ब देखेगा तो बोलेंगे ज्यादा इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मतलब होता है कि किसी पॉइंट पर इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का में फोर्स काम कर रहा है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, कोई चार्ज है उसका फील्ड के अंदर मान लीजिए 5 कूलम चार्ज यहाँ पर रखा, बी पॉइंट पर 5 कूलम चार्ज रख दिए, फोर्स काम कर रहा है सपोज 20 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है. सपोज 20 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, 5 कूलम चार्ज ईच केम एट पॉइंट पी, 20 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है. फोर्स काम करता है दो चार्ज के बीच में, तो यहाँ पे कितना इंटेंसिटी होगा, तो बस 1 कूलम में कितना काम करेगा, 5 कूलम में 20 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, तो 1 कूलम में कितना होगा 20/5 फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज. 5 के लिए कितना है 20 है, तो 1 के लिए कितना 20/5. इंटेंसिटी इज सिंपली क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज. किसी पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज रखिए. एक और एग्जांपल देखिए, कोई चार्ज है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. अंडरस्टूड? यहाँ पे हम सपोज 3 कूलम चार्ज रख दिए, यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है. सपोज हम लोग कैलकुलेट करने आता कूलम्स को से कैलकुलेट करिए 30 से 20 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है. इंटेंसिटी निकालना है क्या बोलेंगे कि 3 कूलम चार्ज में 20 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, 1 में कितना होगा 20/3. ये 20 क्या है फोर्स और 3 क्या है, 3 कूलम में है तो 1 के लिए डिवाइड 3 से, 1 के लिए निकाल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. 3 क्या है, ये चार्ज 3/ का है चार्ज. फोर्स बाय चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी. और अगर एक ही कूलम रखे हैं तो फोर्स बाय 1, इंटेंसिटी क्या होता है, सिंपली फोर्स को ही इंटेंसिटी बोलते हैं. अगर 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो सिंपली इंटेंसिटी क्या है, 1 कूलम चार्ज में कितना फोर्स काम कर रहा है उसी को बोलते हैं. सो सिंपली कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज फोर्स, फोर्स है, फोर्स को ही बोलते हैं, एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज. 1 कूलम चार्ज में कितना फोर्स काम कर रहा है, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज केप्ट कहीं पर रखा हुआ है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज
behave in an electric field of a charge. कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज में पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज को रखिए, जितना फोर्स काम करेगा फोर्स के बराबर है अगर 1 कूलम चार्ज रखे हैं कहां पे, इस पॉइंट पर, और अलग चार्ज रखे हैं तो चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, यानी अगर इंटेंसिटी निकालना है तो फोर्स निकाल दीजिए 1 कूलम के लिए, अगर 5 कूलम रखे हैं तो 5 से डिवाइड भी कर दीजिए, अगर आप यहाँ पे 3 कूलम चार्ज रखे हैं जहां पे इंटेंसिटी निकालना है तो वहां पे क्या कीजिए 3 से डिवाइड कर दीजिए. फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं. अंडरस्टूड? पॉज करके वन नोट कीजिए और कुछ बता रहे. सो इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज. चार्ज से कब डिवाइड करते हैं? जब 1 कूलम नहीं है. ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब एक इस पॉइंट पर एक ही कूलम चार्ज रखे हैं, इस पॉइंट पर एक ही कूलम चार्ज रखे हैं, इंटेंसिटी इक्वल टू क्या एफ होगा. इंटेंसिटी इक्वल टू एफ होगा जब एक ही कूलम रखे हैं. क्लियर है? तो इसका यूनिट क्या होगा? देखिए बहुत इजी, फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए कूलम, न्यूटन कूलम. बाद में पढ़िएगा 1-2 चैप्टर के बाद, सेकंड चैप्टर में वोल्ट पर मीटर भी बोलते, कैसे होगा वो आपको आगे पता चलेगा. न्यूटन पर कूलम बोलते हैं, फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, कोई डाउट नहीं होगा. वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं. डायमेंशन निकालना है. फोर्स का क्या होता है? m1 l1 t-2, सबको याद होगा, अलेवन क्लास में था. फोर्स का m1 l1 t-2 मास, याद है, l1 t-2, और चार्ज के लिए क्या होता है याद कर लीजिए, at. तो क्या हो जाएगा, एक नंबर क्या मिलता है, m1 l1 t-3, मतलब t-2 है यहाँ पे, ऊपर गया t1, तो t का क्या हो -3, a ऊपर गया -1. तो यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं. कैसे होता है वो अगला चैप्टर पता चल जाएगा आपको. डायमेंशन होता है m1 l1 t-3 a-1, और फॉर्मूला निकालना है. तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? एक क्यू है, एक पॉइंट पर एक चार्ज क्यू है, पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला निकालना है. उसका फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज रख दीजिए r दूरी पर. इंटेंसिटी इज द फोर्स, हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ. एक कूलम चार्ज रख दीजिए, क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर दूरी पर एक पॉइंट पी में क्या रख दिया, 1 कूलम चार्ज रख दिया. इंटेंसिटी क्या हो? तो इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स होता है. इंटेंसिटी का फोर्स होता है. फोर्स किसके बीच में? क्यू कूलम और 1 कूलम, क्यू कूलम 1 कूलम के बीच का फोर्स है. क्यू कूलम और 1 कूलम के बीच का फोर्स है. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कूलम्स को यूज करें, 1/4πε0, वही फॉर्मूला यूज होगा. प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज q into 1 by क्या होगा? दूरी का स्क्वायर. सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r². ये फॉर्मूला बन गया जो हमने पहले पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही. और ये भी एक क्या है, डायरेक्शन वाला है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी. तो फॉर्मूला रेडीमेड फॉर्मूला 1/4πε0 q/r², इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का यूनिट, इंटेंसिटी का डायमेंशन, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं. डायमेंशन फोर्स का सबको याद पालो ना, फोर्स कितना होता है, फोर्स का कितना होता है सबको याद होना चाहिए, m1 l1 t-2, सुने कभी m1 l1 t-2, फोर्स का 11 क्लास. और चार्ज कितना होता है? फोर्स बाय चार्ज, चार्ज कितना होता है? at. तो क्या हो जाएगा, m का 1, l का 1 और t का -2 है, और एक t ऊपर गया, -1 3 हो जाएगा, और एक का -1 1 मार्क एग्जाम मिलता है. एग्जाम ऐसा ही पूछता है, वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है? सीधे बोलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? m1 l1 t-3 a-1. बहुत काम का चीज, इसको यूज करते हैं, बहुत इंप्रूव करने वाले आगे जाके. फॉर्मूला निकालना है, एक चार्ज का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू चार्ज है, ए पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज रख दी, जितना फोर्स काम करेगा वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फोर्स क्यू और 1 कूलम के बीच में. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कूलम्स को 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस q/r². E equal to 1/4πε0 q/r². क्लियर है? देख लो कहां पे समझ में आया, पूछ लीजिए, नोट कर लीजिए. सो फार इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज. यूनिट क्या है इसका? न्यूटन पर कूलम. डायमेंशन क्या है? m1 l1 t-3 a-1. और इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल दिए, 1 बस जो फील्ड है, जिसका फील्ड है चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर. और इसमें भी डायरेक्शन देखना पड़ेगा, इसमें भी डायरेक्शन देखना पड़ेगा. एक सिंपल से क्या, मान लीजिए कोई 5 कूलम चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटेंसिटी निकालना है,
फाइंड द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री एट पॉइंट पी, तो जरूर यहाँ पे वन कूलम रखा हुआ, जिसपे से वन कूलम लिख सकते हैं हम लोग, अगर वन कूलम है इंडस्ट्री निकाल, मतलब वन कूलम रखा हुआ पे, और मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दूरी में इंटेंसिटी क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज है 5 कूलम, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर कितना होता है, तो याद हो गया होगा फिक्स है, चार्ज कितना है 5 कूलम और दूरी कितना 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए स्क्वायर कर दे, 9 × 5 = 45, 10^9 2 × 10^8 एगो जीरो इसे ले ली, तो -1 का क्या हो गया स्क्वायर 45 × 10^9 2 × 4 10^11 न्यूटन पर कूलम। स्वाइक समझाए हैं, एक और देख लीजिए, 3 μC चार्ज का फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना है, सपोज ये 15 सेंटीमीटर दूरी है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी व्हिच इज केयर फॉर डिस्टेंस ऑफ 3 μC चार्ज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूरी में रखे इंटेंसिटी निकालना, जरूर यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, इस पॉइंट पर क्या रखा हुआ है, डू यू नो, 1 κ चार्ज फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं बता रहे, 9 × 10^9 दूसरा चार्ज बॉडी में कितना इंटेंसिटी, मतलब फोर्स ही निकाल रहे हैं हम लोग, फोर्स ही निकाल रहे हैं यहाँ पे, जरूर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, तो क्या इसका 9 × 10^9 और चार्ज कितना है हम लोग के पास 3 μC अभी दे दिए, माइक्रो कूलम कैसे हटाते हैं 10^-6, तभी क्या था कूलम था, अभी क्या है माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो कैसे हटाते हैं 10^-6 बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कितना होगा 15 × 10^-2 का स्क्वायर 15 सेंटीमीटर, 15 × 10^-2 का स्क्वायर, क्लियर है, तो 9 × 3 = 27, 10^9 में 6 गया 3, 15 का स्क्वायर 225, 10^-4 15 का स्क्वायर 225 कर दिए, अब कटेगा तो कर दिए 9 × 3 = 0.12 × 10^7 न्यूटन पर कूलम। इन दिस वे यू लर्न हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एकदम अच्छा से याद हो गया, इंटेंसिटी निकालने का मतलब क्या होता है फोर्स निकालना होता है, अंडरस्टूड। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, पर नोट कर लीजिए पॉज करके, पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो ये 5 सेंटीमीटर में सब दिया हुआ डिटेल है, इसके लिए हम क्या करेंगे E1 निकालेंगे, इसके लिए E2 निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही E1 किसके चलते 3 μC के चलते, यहाँ पे 1 कूलम रखा हुआ है 2 μC के चलते हम लोग क्या निकालने वाले हैं E2 निकालने वाले हैं, ध्यान से देखिए E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, तभी एक ही को चार्ज था, कहां से डायरेक्शन देखते हैं, अभी दो दो को चार्ज बॉडी है, अभी हम लोग डायरेक्शन देखने वाले हैं, अंडरस्टूड, एकदम बिल्कुल वीडियो नंबर 3, 4, 5 को फॉलो कर रहे हो तो एकदम इजी लगने वाला है, ये E1 को फिक्स कर दिए, प्लस वाला इससे अट्रैक्ट हो रहा होगा बाय डीवे, तो ये क्या होगा रिपेल हो रहा होगा, ये वाला अट्रैक्ट तो ये वाला रिपेल, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, E1 उधर की ओर अट्रैक्ट तो E2 इधर की ओर रिपेल, तो E = क्या होगा E1 - क्या होगा E2 y - because they are in opposite direction, E1 ऐसे निकालेंगे 1/4 πε₀,
बोलिए कितना, 3 माइक्रोकूलम चार्ज बाय स्क्वायर 15 और 5 कितना हो गया 20 × 10⁻²। अंडरस्टूड, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसके चलते निकाल रहे यहां पे, इसके चलते निकाल रहे यहां पे, वही वाला फॉर्मूला यूज कर लिए, 3 माइक्रोकूलम 3 कर दिए, माइनस का है हुआ, डायरेक्शन उल्टा है, ये प्लस वाला उधर की ओर तो माइनस वाला इधर की ओर, इधर क्लियर थोड़ा नहीं हो रहा है। अब बोलिए E2 किसके बीच का पोर, ये वाला E2 इनके बीच में, फिर वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना गया 2 × 10⁻⁶ का माइक्रोकूलम है, और स्क्वायर डिस्टेंस कितना हो गया 5 × 10⁻²। तो कॉमन कर लीजिए 9 × 10⁻⁹ दोनों में, 10⁻⁶ दोनों में, 10⁻⁴ दोनों में है, 3/400 × 3/400 2/25 दोनों में निकाल दिए, और 10⁻²⁴ होता है, बाहर निकाल दिए, ऊपर ले जाइए कितना पर 9 × 10⁻⁹ 9 × 4 = 13 क्लियर है 9 और 4 नीचे में ऊपर गया 13 × 7 क्लियर है। अगर कितना बच गया एलसीएम ले लीजिए 403 बचेगा, आंसर हमेशा प्लस में लिखना पड़ता है, 25 × 16 × 16 × 32 तो कितना हो गया 9 × 10⁻²⁷ − 29/400 2 को 0 काटेंगे इससे 29 × 9 करेंगे 9 81 हो गया 18 और 8 26 / 4 कर दे रहे, आंसर प्लस में ही लिखना है, और 10⁷ में 2 हटाइए क्या होगा 5 4 से डिवाइड कर दीजिए यू विल गेट द आंसर 4 6 = 24 2 1 4 5 = 21 and 10⁵ N. तो पहले का वीडियो फॉलो किया होगा, इसके बाद है जब ईजी है कॉन्सेप्ट बता दिए, माइनस क्यों हुआ E1 उधर तो E2 इधर क्यों, प्लस वाला का फोर्स इसमें काम कर रहा है अगर अट्रैक्शन तो माइनस वाला रिपल्शन, या उल्टा ही बोल सकते E1 इधर तो E2 इधर, जो भी हो माइनस होगा। ऐसा और भी एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तब तक ये वीडियो को देखते रहिए, पहले वाला वीडियो को फॉलो करते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, नोट करिए। लुक वन मोर क्वेश्चन, ए और बी में 2 चार्ज है 8 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रो, दोनों प्लस लिए हैं, दोनों माइनस नहीं तो भी आंसर होगा, पी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना जरूर, वहां पे क्या है 1 कूलम चार्ज है, फोर्स निकालना है, इनके बीच का जो 12 ये 4 इसे क्वेश्चन में लिखा होगा डिटेल से, आपको बस फिगर ड्रॉ करना, फिर से वही करेंगे E1 निकालेंगे E2 निकालेंगे, हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, E1 किसके चलते निकाल रहे हैं 8 माइक्रोकूलम के चलते, E2 किसके चलते निकाल रहे हैं 4 माइक्रोकूलम के चलते, E1 अगर अट्रैक्ट है, ये वाला अट्रैक्ट है इससे, तो ये वाला भी क्या होगा अट्रैक्ट होगा, दोनों प्लस है उधर ही होगा दोनों, या दोनों इधर, ये वाला सब रिपेयर हो रहा था, ये भी रिपेयर होगा, क्या बात है, जो भी होगा E का वैल्यू क्या होगा E1 प्लस क्या होगा E2, दोनों प्लस होगा, दोनों इधर चाहे दोनों उधर, अंडरस्टूड क्लियर, समझ वाला सबको आ रहा होगा, पहले का वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत लेंथी चैप्टर है, कितना वीडियो लग रहा है, और 3-4 वीडियो बाकी है इस चैप्टर के लिए, इट्स नाइन्थ वीडियो और 3-4 वीडियो लगने वाला है। बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 × 10⁻⁶ बाय डिस्टेंस कितना 12 और 4 = 10⁻², प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना 4 × 10⁻⁶ बाय 4 × 10⁻⁶, ये 4 दूरी में है, 12 और 4 = 16 हो जाएगा, 9 कॉमन कर लिए 10⁹ 10⁻⁶ 10⁻⁴ 8/16² 256 256 प्लस 4/4² 16 कटेगा काट दीजिए 8 से कटेगा 8 × 3 = 24 8 × 2 = 16 1/4 9 × 10 9 × 4 = 13 7 32 LCM यहाँ पे क्या 1/32 है 1 × 4 × 8 तो कितना हो गया 9 × 9 = 81/32 इसका आगे सॉल्व खुद भी कर सकते हैं और बस 2.5 × 10⁷ N. Understood how to find? So in this way you learn how to find electric induction due to point charge. इसके अलावा
बीच में भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी हो सकता है, वो अगला वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक पूरा वीडियो देखते रहिए, वन से लेके नाइन, नाइन को देखने का मन है तो आपको वन से लेके एट तक एकदम अच्छा से पॉइंट्स देखते रहिए, एकदम इजीली समझ में आएगा, एक के बाद एक लिंक है। अंडरस्टूड? तो बताइए आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नोट कर लीजिए।